इधर 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 इंजरी का टाइम चल रहा है बहुत। अच्छा ये वीडियो है फोटो दोनों है? दोनों है सर, दोनों। चल लेफ्ट से ट्राई स्टार्ट करो। मेरा लेफ्ट देखो यार, ये कोई बोल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे अजय इधर लेफ्ट, राइट में, राइट में, यहाँ पे राइट में, राइट में, सॉरी राइट में देखूं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ब्लू लाइट बंद कर यार, क्या करना है? अच्छा इसने मुझे बोला है यहाँ पे खड़े हो जाओ, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। यार आईफा में अटेंड करने के लिए एक्साइटमेंट है मेरा, और इस बार मतलब बहुत एक्साइटमेंट है। फिल्म भी काफ़ी आई डोंट नो, इस बार तो एक्चुअली फिल्म मेरी अगले साल वाले आईफा में आएगी, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अटेंड करने के लिए आईफा को। ओके कार्तिक, इस बार क्या हाल है? तैयारी कर रही है, क्या प्रिपरेशन है, क्या परफॉर्मेंस देने वाली है, क्या क्या होने वाले हैं? आर यू होस्टिंग एज वेल लाइक अ अवार्ड? यार धीरे धीरे चीज़ें पता चलेंगी जब मतलब अभी मैं, अभी तो इनिशियल स्टेजेस हैं, आईफा अवार्ड की प्रिपरेशन चल रही है इनकी सब, बट एक्साइटमेंट है काफ़ी चीज़ों को लेकर, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ आईफा। एनी स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशन व्हिच यू मस्ट हैव ड्रीम्ड ऑफ, और अगर वो आईफा में इस बार हो जाए यू विल बी लाइक वाओ मजा आ गया? आई थिंक एज एन एक्टर यू ऑलवेज वॉन्ट टू हैव अ स्टेज लाइक आईफा टू परफॉर्म और इवन होस्ट, यू नो, सो वो सारी चीज़ें अगर होती हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है, एंड और बहुत मज़ा आता है एज एन एंटरटेनर। यू ऑलवेज फील दैट कि एक ऑडियंस आपके सामने हो, जो इतनी बड़ी ऑडियंस हो जो आईफा में हमेशा होती है, एंड उसके सामने यू गेट टू एंटरटेन देम। Kartik, apart from this, there is also a buzz that you will be signing Sanjay Leela Bhansali's movie. So is it Gustakia? So is it true or? Yes. क्या फिर नो मैं क्वेश्चन पूछ रहा था कि आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? जो भी मैं मूवी अगली करने वाला हूँ उसका अनाउंसमेंट अपने आप आएगा, प्रॉपरली आएगा, और मैं बात भी कर पाऊंगा उसके बारे में। अभी राइट टाइम नहीं है कोई भी चीज़ को के बारे में जवाब देना कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, वो अपने आप अनाउंसमेंट होगा, एंड आई विल बी शेयरिंग इट विद यू गाइस। इफ यू वांट टू वोट बिटवीन लव रंजन, करण जौहर एंड संजय लीला बंसाली, हु यू विल? अच्छा बिटवीन, हां क्या थ्री ऑफ देम? चूज वन। आई थिंक लव रंजन सर विल ऑलवेज बी देयर, तो चूज करने की जरूरत नहीं है, एंड आई थिंक इट्स करण जौहर सर एंड संजय लीला बंसाली सर, दोनों मैं चूज नहीं करना चाहता। एंड हु इज द बेस्ट परफॉर्मर इन 2017 एज एन एक्टर? तुम तो चले जाओगे ये सवाल पूछ के, है ना? हाँ पूछो। कार्तिक, वन ऑफ योर फेवरेट बिगेस्ट फैन मोमेंट ऑफ योर्स? बिगेस्ट फैन मोमेंट ऑफ माय, यस, इट वाज एक्चुअली माय बिगेस्ट फैन मोमेंट वाज व्हेन, तो मेरा बर्थडे था बीच में, और मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ अक्षय कुमार सर का, तो मेरे बर्थडे पे ना मेरे को एक सरप्राइज़ कॉल आया था, और अक्षय कुमार सर से आया था, जो मेरे एक फ्रेंड ने अरेंज किया था, कि क्योंकि ही न्यू अबाउट इट कि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके फिर हे दिस इज़ अक्षय कुमार and wishing you a very happy birthday. So I was like, अरे so I think that was my biggest fan moment जब उन्होंने call करके मुझे wish. If you are not an actor, what you would be? Director maybe, but something related to this industry. I mean, direction या action, actor. Okay.
Karthik, there are also rumors that you are in talks with Karan and Yashraj for one of the films. So can you say, are you in talks, although we know that nothing is confirmed as of now, are you in talks with either one of them or not? Again, whatever I'm doing. But there must be something. Yeah, like hint or something. Placard likha chal raha. Just hint or something like. Are you in talks? Just like we know nothing is confirmed as of now, and we are waiting for the confirmation when it comes. हाँ और कोई तरीके से नहीं आई मीन मेरा भी वही तरीके से जवाब होगा कि मैं जब भी साइन कर लूँगा फिल्म मैं सीरियसली बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करूँगा मैं वेट कर रहा हूँ राइट टाइम के लिए कार्तिक फॉर योर प्रीवियस मूवी यू हैड रियली रिप्ड अ लॉट ऑफ You really body? Chiseled your yeah, body and worked really hard on it. So, yes. Any suggestions to those people or those strugglers who are trying to make a mark? How important, as per you, is the physique part? Yeah, I think struggle to sabhi apne apne jagah pe kar rahe hain. So it's ये जो रिप बॉडी वाला है चिजल बॉडी वाला है आई एम रियली हैप्पी कि लोगों ने नोटिस किया उस चीज़ को एंड इट टेक्स अ टोल ऑन योर बॉडी व्हेन यू एक्चुअली गो फॉर अ रिप बॉडी एंड आई मीन आई वाज ऑन अ क्रेजी डाइट क्रेजी स्केड्यूल ऑफ वर्किंग आउट ऑल्सो विथ माई ट्रेनर प्रशांत सावंत एंड रोहन सावंत सो बट आई थिंक इट्स ऑलवेज 70% ऑफ योर डाइट 30% of your workout, you know, it's always about that. I mean, you need that determination. एक चाहिए होता है कि आप वो चीज़ will पार आपका जाए नहीं कि जो result है वो आपके पास एक aim रहे and I think you can achieve any type of body unless it's मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा तो change है but मेरे लिए एक वो chiseled rib body लाना इस film के लिए ज़रूरी था एक shot के लिए एक scene के लिए तो उसके लिए preparation कर रहा था so I didn't lose my focus. Karthik, one more very important question. People say bros before, okay? And there are certain set of guys who prefer gals before pals. So any message to those guys? And I think you are an ideal person to be delivering that message. Nahi, meri film mein ek dialogue tha ki mera dost Titu bolta hai ki meri wali alag hai. और मैं उसको रिप्लाई में बोलता हूँ कि तुझे पता है इस दुनिया के हर गधे को लगता है कि उसकी वाली अलग है और तेरे मुंह से मेरी वाली अलग है सुन के मुझे यकीन हो गया कि ये लगने वाला है सो इसलिए दोस्तों का थोड़ा सा विश्वास कर लेना चाहिए कभी कभी कार्तिक देयर आर आल्सो बर्स दैट यू एंड देयर आर सम केमिस्ट्री बिटवीन यू एंड डिंपल शर्मा देयर इज अ बर्स या क्लियर देयर वाज या यार गर्मी बहुत हो रही है नहीं क्वेश्चन आप दोनों कहाँ से आप जी तो अगला सवाल आईफा में बहुत मजा आने वाला है Kartik, ग्रेट एक्सपीरियंस वॉकिंग फॉर मनीष मल्होत्रा एंड अगेन विद करीना कपूर वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था इनफैक्ट वो शो इतना अच्छा हुआ था हम लोगों का शो कि आई मीन आई एम रियली ग्लैड दैट ऑल ऑफ अस कुड मेक इट एंड द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दैट वी गॉट फॉर द शो वॉज अमेजिंग सो आई मीन दिस इज नथिंग लाइक इट यार मैं मतलब सोनू टी टू डिड रियली वेल एंड इट डिड वंडर्स फॉर मी ऑल्सो सो आई एम जस्ट ग्लैड दैट एवरी थिंग इज़ फॉलोइंग टू प्लेस वो राइट टाइम पर राइट चीज़ें हो रही हैं एंड इट्स ग्रेट टू बी अ पार्ट ऑफ मनीष मल्होत्रा शो इट्स ऑलवेज लाइक दिस की एक एक्टर की लिस्ट होती है जिसमें हमेशा वो यू नो व्हेन आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर मेरे दिमाग में ये भी चीज़ थी कि आई वॉक एज अ शो स्टॉपर फॉर मनीष मल्होत्रा एंड वो चीज़ एक मेरी लिस्ट में पूरी हो गई सो आई एम रियली ग्लैड यार आई कुड डू इट आई डोंट थिंक सो इट्स अ कैंप यार वो इट्स जस्ट दैट कि
I mean, you are in the industry, you get to know people, and आपकी अच्छी दोस्ती होती है कुछ लोगों से और कुछ लोगों से नहीं होती है. सो इट्स जस्ट अबाउट दैट. कैंप वाला, आई डोंट बिलीव इन कैंप्स. सो होम यू वोटेड एज अ बेस्ट सेक्टर. सो इज द बेस्ट, हु इज द बेस्ट परफॉर्मर. उसपे एक बटन था स्किप. वो इस क्वेश्चन के लिए स्किप. कमिंग बैक टू आईफा, यू स्पोक अबाउट होस्टिंग आईफा. इफ that yeah. happens, mm-hmm. who would you want to host with? Who would you want as your co-anchor? As my co-anchor? Yeah. As my co-anchor. Kareena Kapoor. Is that the safest answer? अरे आप ऑप्शंस दे दो, मैं बता दूंगा. कटरीना, दीपिका, आलिया, अब दीपिका. शाहरुख, सलमान, रणबीर एंड रणवीर. रणबीर. एनी स्पेसिफिक रीजन? आई थिंक हम लोग की ट्यूनिंग बहुत अच्छी लगेगी जब अगर हम लोग होस्ट साथ में कर रहे होंगे. ही इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस एंड आई बिलीव मैं भी हूँ, तो साथ में बहुत अच्छा. अगर वो चीज़ कभी होती है, इट विल लुक गुड. लोग हंसेंगे बहुत शायद हम पे जोक्स पे. थैंक यू, थैंक यू गाइस. अरे तुम वापस आ गए लौट के. कैसे कहा गए थे तुम बीच में? वापस सर, यहाँ पे मैं थोड़ा पीछे आ गया. और आप फोटो लेंगे कैसे? सर ले लेंगे. तो लेफ्ट में वीडियो के लिए अवार्ड ये वाला लेके जाता हूं यहां पे. जाफर भाई लेफ्ट में. जाफर भाई पीछे. हां भाई ओके. चलो वेट वेट सर, वीडियो के लिए. वीडियो वीडियो सर, वीडियो के लिए सर. लेफ्ट में, लेफ्ट में. अंदर दिस वन आई कैन कीप. Andre, you want to answer? For me. I'll be doing whatever IFA needs me to do, whatever Viscraft needs me to do. ये जरूरी नहीं है कि क्या कर रहे हैं, ये जरूरी है कि एज एन इंडस्ट्री वी गो देयर, हैव अ गुड टाइम, रिप्रेजेंट आवर फिल्म इंडस्ट्री. जैसे IFA के जरिए हम करते आए, 19 साल हो गए. मैंने अभी कहा था IFA मेरा छोटा भाई है, क्योंकि मैं 33 का होने जा रहा हूँ 26 को, और ये 19 के होते जा रहे. I've been to more IFAs not being an actor, actually. वो एक सीक्रेट है जो आज मैं बता सकता हूँ. थैंक्स टू Viscraft एंड माई फैमिली बींग इन द फिल्म इंडस्ट्री फॉर सो मेनी ईयर्स. तो काफ़ी सारे IFAs अटेंड कर चुका हूँ. बतौर एक्टर होस्ट करने का मौका मिला है, परफॉर्म करने का मौका मिला, और इस साल भी जाएंगे धूमधड़ाके से जाएंगे और मस्ती करके आएंगे. जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारी यादें हैं, तो What was your journey all about? क्या कुछ याद करते हैं? क्योंकि ये एक ऐसा अवार्ड फंक्शन है जो एक यहाँ से ब्रेक मिलता है, सब लोग बाहर जाते हैं. इट्स नॉट ओनली, हाँ मतलब इट्स आई थिंक जो फिल्म इंडस्ट्री है वो रोज़ हम काम करते हैं, अपने अपने काम में बिजी होते हैं. IFA के जरिए वी ऑल गेट टू कम टुगेदर, हुएवर इज ट्रैवलिंग, हुएवर इज टुगेदर. साथ में प्लेन में जाना, होटल में रहना, ट्रैवल करना, गाड़ियाँ शेयर करना, बैक स्टेज होना, फ्रंट रो पे बैठना, लोगों से मिलना, रेड कार्पेट वगैरह. सो दैट होल जर्नी इन कंपेसिंग दैट विद द फैमिली एटमोसफियर, आई थिंक मेरे लिए, फॉर मी ऑनेस्टली यार, जब मैं एक्टर बना था
मैं ऑडियंस को एंटरटेन करना चाहता था. मेरा हमेशा से यही एम्बिशन था कि लोग एंटरटेन हों. जब आईफा को होस्ट करने का मौका मिला, हिंदुस्तान से बाहर जाकर पहली बार परफॉर्म करने का मौका मिला, वो प्यार मिलना, एक होता है कि आपने देखा है, सुना है, लोगों के ट्वीट आते हैं, लोग मिलते हैं आपको एयरपोर्ट पे वगैरह, बात करते हैं. पहली बार जब 20-25-30 हज़ार लोग आपके लिए वेट करते हैं, आपकी पूरी परफॉर्मेंस के लिए वेट करते हैं, आप पूरा होस्ट कर रहे हो तब तक अंत तक रहते हैं, और उसके लिए वाह वाह मिलती है, उधर तालियां मिलती है, वो लाइव एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग एबल टू कनेक्ट विद योर फैंस, कनेक्ट विद पीपल जो हंस रहे हैं आपके साथ, जो रिएक्ट कर रहे हैं. और हमने बहुत मेहनत की थी रणवीर और मैंने लिखने में, काम करने में, और वो जब होस्टिंग पसंद की गई, आई थिंक दैट फॉर मी विल ऑलवेज बी स्पेशल टू बी एबल टू. एंड इट्स नॉट ईजी होस्टिंग एन अवार्ड शो, बिकॉज आप सब जानते हैं इतने सारे अवार्ड्स आते हैं, इतने लोग होस्ट करते हैं, टू बी अ क्लटर ब्रेकर इन दैट यू हैव टू वर्क हार्ड. और वो जो हमें उस समय जो प्यार मिला था, मैं मानता हूँ दैट विल ऑलवेज ऑलवेज स्टे. इट्स लाइक फॉर मी इट्स द लव ऑफ अ फिल्म व्हाट वी गॉट दैट टाइम. या वाह, कितनी तारीफ की मैंने अपने आप. जी, पर आप फोन पे किससे बात कर रही हैं? माई बिगेस्ट फैन मोमेंट यार, मैं फुटबॉल का बहुत शौकीन हूँ, और मैं जब मुबारक की शूटिंग कर रहा था पिछले साल, मैं फुटबॉल मैच देखने गया था चेल्सी का, तो उन्होंने बाकायदा मुझे पूरी टीम से मिलने का मौका दिया. वेदर जॉन टेरी ने मुझे अपनी खुद की जर्सी अपने बैग से निकाल के प्रेजेंट की. सो दोज आर मोमेंट्स जो आई थिंक आप दुनिया भर में किसी से भी पूछोगे जो स्पोर्ट्समैन के शौकीन होते हैं ना, अगर अपने आइडल से मिलने का मौका मिले, जैसे सचिन सर से बचपन में जब मिला था तो वो अभी तक नहीं भूला, पहली बार उन्होंने MRF का बैट साइन करके मुझे दिया था, तभी मुझे याद है जब वो खेला करते थे. तो देर आर सर्टन थिंग्स दैट यू कैन नेवर फॉरगेट, बट या ऑब्वियसली दिस फॉर मी मीटिंग द चेल्सी फुटबॉल टीम इज अ सरियल एक्सपीरियंस. आई वुड बी अ डायरेक्टर ऑनेस्टली. जी, अरे कैसे आप उस दिन थे ना, मैं निकल गया था जब आपको मैंने वेव भी किया था. जी जी जी, हाँ. थैंक यू, आपको भी. यू वोटेड? जी जी, अभी किया. बताऊँ किसको वोट किया? आपकी इच्छा? नहीं नहीं नहीं, अपने अलावा बाकी सबको. कौन कौन से आपको लगता है कि इस बार ज़्यादा इसके हकदार हैं? यार आई थिंक इट्स, मैं अगर 2-3-4 नाम लूँगा फिर वो अंडरलाइन हो जाएंगे. क्या होता है हर साल जरा वेरियस पॉइंट ऑफ व्यूज, जैसे मैंने तुम्हारी सुलू देखी नहीं है, अब मैं कहूँगा मुझे XYZ अच्छी लगी, आपने सुलू देखी होगी तो आप कहेंगे नहीं उसमें परफॉर्मेंस अच्छी थी. तो मैं सारी फिल्में देख नहीं पाया हूँ, जो मैं देख पाया था, जो मुझे अच्छी लगी थी, मैंने उन पर वोट किया. और मुझे कहीं ना कहीं लगता है आई थिंक लाइक हिंदी मीडियम में जो यूनिवर्सली लव्ड फिल्म फ्रॉम लास्ट ईयर, मुझे जग्गा जासूस बहुत अच्छी लगी थी, न्यूटन बहुत अच्छी फिल्म थी. तो कई सारी ऐसी फिल्में हैं, सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू. आई थिंक ऑनेस्टली यू नो आई लव जग्गा जासूस, मुझे बहुत पसंद आई थी, बट मैंने बहुत टाइम बाद देखी थी, रिलीज होने के काफ़ी समय बाद देखी थी. तो ऐसी पर्सनल चॉइसेस हैं मेरी एज एन आर्टिस्ट. आई थिंक ऑल्सो यू लुक एट फिल्म्स डिफरेंटली वंस यू बिकम एन एक्टर. जब ऑडियंस मेंबर था तो मेरी सोच थोड़ी सी अलग थी, अब एक एक्टर हूँ तो टेक्निकल चीज़ें किस तरह बनाई होगी, कितना मुश्किल है, आसान है काम, उस वजह से मेरी पसंद थोड़ी सी अलग हो गई. बज का कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ आईफा की बात कीजिए, बज की बात करेंगे तो मैं बज, मैं बहुत दिनों बाद आप सबसे मिल रहा हूँ तो अच्छी तरह मिलना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए. जी, संजू का टीजर है. जी जी जी, जी यार आई थिंक इतिहास गवाह रहेगा, संजय दत्त जैसे इंसान की कहानी जब बोली जाती है तो उस पर बहुत सारा प्रेशर होता है उस इंसान पर. राजकुमार हिरानी से बेटर डायरेक्टर नहीं हो सकता था हिंदुस्तान में, जिन्हें चुना गया, जिन्होंने ये बोझा अपने कंधों पे लिया. एंड टीजर देख के पता लगता है कि वो आपको हंसाएंगे भी रुलाएंगे भी, और वो कहानी बता के जाएंगे जो हमने कई बातों में सुनी है या समझी है या देखी और सोचा कि यार क्या ऐसा हुआ था वैसा हुआ था. आपको ट्रेलर से समझ आता है कि आपको वो हर पहलू दिखाने वाले, कुछ छुपने नहीं वाला. सो आई रियली लाइक द फैक्ट दैट यू विल गोइंग टू सी एवरी चैप्टर ऑफ दैट मैन्स लाइफ, बिकॉज ही इज आई एम गोइंग टू बी वर्किंग विद हिम नेक्स्ट ईयर, यू नो. सो आई एम गोइंग टू वॉच अ फिल्म एंड देन आई एम गोइंग टू गेट टू वर्क विद अ मैन एट द एंड ऑफ द डे, दैट मेक्स इट सो मच मोर डिफिकल्ट. एंड आई थिंक रणवीर हैज डन एन अमेजिंग जॉब, ही इज एन अमेजिंग एक्टर, दैट गोज विदाउट सेइंग, बट देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर डूइंग रोल्स लाइक दिस. सो इट्स लुकिंग प्रॉमिसिंग एंड आई होप इट टर्न्स आउट टू बी इवन बेटर देन द टीजर. जी, अच्छा, पानीपत. हां,
Of course, I'm excited. I think the nervousness will happen when I finally reach the set. जब चीज़ें ऐसी अनाउंस होती ऐसी फिल्में करते हो यू लुक फॉरवर्ड एज एन एक्टर यू ग्रोन अप वांटिंग टू डू दीज थिंग्स टू वर्क विद कृति टू वर्क विद आशु सर एंड टू वर्क विद संजू सर ऑफकोर्स संजू सर बींग समबडी हु इज अ बेंच मार्क वेन इट कम्स टू द मेल एक्शन जॉनर एंड टू डू अ फिल्म विच इज अ प्रॉपर एक्शन फिल्म विद हिम इट्स वेरी एक्साइटिंग एंड आई होप टू एंजॉय माय सेल्फ तो थोड़ा सा और ऐसे करता तो इधर आ ही जाता इसी से जुड़ा हुआ चलिए आखिरी सवाल दूर में निकलता हूँ जी 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 पानीपत का सेट बन रहा है जी और पेशवा बाजीराव की भूमिका में हम रणवीर को भी देखते जी आप भी बन गए देखिए बहुत अभी बहुत अर्ली है मतलब मैं शूटिंग भी शुरू मतलब शूटिंग के बहुत दूर हूँ तो आपने अपना आखिरी सवाल वेस्ट कर दिया बेसिकली मैं वो कह रहा था अभी बहुत टाइम है और इसकी फिल्मों की बातें तो हम कभी भी कर सकते हैं आज आईफा का मौका है तो कि आईफा की बात करते कहाँ पे जिंगल बेल सैंटा क्लॉज जी अभी देखिए अभी सारे सवाल आईफा को छोड़ के आ चुके हैं मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आप सब जो मेरे दोस्त हैं हम साथ में इतने बार मिल चुके हैं ये प्लेटफॉर्म है आईफा की बात करने के लिए बाकी सारी बहुत सी बातें हैं जब मैं तैयार होऊंगा बहुत सारी चीज़ों की बात करने के लिए मैं ज़रूर आपसे आराम आराम से बात करूंगा ये हमारी आखिरी मुलाकात नहीं होगी आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा ये मेरी गारंटी जी तुम लोग को पता होगा यार मुझे पता तो नहीं चलिए थैंक यू But I will speak to all of you. Trust me. अभी सही टाइम नहीं है to speak about lot of things. अच्छा एक चीज ये थी कि अगर संगीत अंगीत हो तो वाइट वाइट नहीं आएगा. जी संगीत अंगीत में जाए ना तो वाइट वाइट देके जाइएगा. कौन सी मुझे भी नहीं मिला जिससे आपने धीरे की वेडिंग के दिन क्यों नहीं पूछा पूछा चलिए